ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ख्वाजा साहब के दरबार में चादर पेश की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चादर लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती अजमेर पहुंचे। इस मौके पर दरगाह के खादिम अफसान चिश्ती ने मुख्यमंत्री की चादर पेश कराई। मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें राजस्थान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। राजस्थान के 8 करोड़ जो हमारे यहाँ पे लोग निवास करते हैं, उन्होंने आज चादर यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर 812वें उर्स पर यहाँ अपनी तरफ से चादर भेजी है और उन्होंने पैगाम भेजा है आपसी भाईचारे का और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की जो हमारी रणनीति है, माननीय मोदी जी का जो आह्वान है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे काम करे और निरंतर चलती रहे, ऐसे ही हम कामना करेंगे कि राजस्थान के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। और जो पैगाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को दिया है और जो हमारे जायरीन यहाँ आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी जो उन्होंने पैगाम दिया है अमन चैन भाईचारे के लिए जो संदेश भेजा है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज हमने बारगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से के दरबार में हमने आज हाजिरी लगाई और अल्लाह ताला से हमने यही दुआ की है कि राजस्थान के अंदर अमन चैन भाईचारा रहना चाहिए और ये जो पैगाम है माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान की आम जनता तक पहुंचाने का काम होगा। और जब सुबह जब हम जयपुर से चले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चादर सौंपी और चादर को लेकर मेरे साथ में हमारे गद्दनशीन अफसान चिश्ती साहब और हमारे मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो साहब, हमारे मीडिया प्रभारी मुराद अली शेख साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अयूब साहब, प्रदेश मंत्री हुसैन पठान साहब हमारे और मुंशी वली जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी और हमारे शब्बीर कुंडली जी और यहाँ की जो टीम है हमारी जो जयपुर देहात की टीम है और अजमेर की टीम है, हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज चादर पेश की है और अमन चैन भाईचारे की दुआ। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10 9773 26213। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट ए ब्लॉक पंचशील अजमेर।